अशोक वानखेड़े, क्या क्या राहुल गांधी ने ड्रामा किया, नाटक किया है क्या? और क्या भारत के प्रधानमंत्री को पहल करते हुए कहना चाहिए कि नहीं, इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी, जिस गति से कोरोना फैल रहा है उस वक्त फौरन कदम लिखे जाने चाहिए और सारे राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर इकट्ठा होकर फैसला करना चाहिए कि हमें अब रैली नहीं करनी है, लोगों की जान बचानी है, हो गया जितना प्रचार होना था। क्या प्रधानमंत्री ये पहल नहीं कर सकते थे? आशुतोष जी, शपथ लेने से प्रधानमंत्री नहीं होते, संविधान के सामने नतमस्तक होने का नाटक करने से देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री का कुछ दायित्व होता है और वो दायित्व यदि आदमी पूरा नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का मात्र स्टार प्रचारक है, जिसको चुनाव लड़ना और जीतना का एक नशा बन चुका है। आज शर्मनाक स्टेटमेंट है, मतलब इतना बेशर्मी से कोई बोल भी नहीं सकता, जब पूरा देश में शमशान बना हुआ है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि राहुल गांधी को सुनता ही कौन है जो रैली में नहीं आ रहे, रैली बंद कर। अरे जिसको कोई नहीं सुनता, थोड़े बहुत सुनते हैं, वो रैली बंद कर रहा है। आप तो नाकों की बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से रैली करवा रहे हैं? गृह मंत्री कहते हैं कि सारा प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। क्या हमारे यहाँ तिवारी जी है कलकत्ता से, कलकत्ता में ऐसा कोई ग्राउंड है कि जहां 2 लाख लोग इकट्ठा हो और 4 फीट का डिस्टेंस हर एक के बीच में हो, 4 लाख लोगों का सैनिटाइजेशन, उनका मास्क चेकिंग और टेम्परेचर करने की जगह है? मूर्ख बनाते हैं। देश में हमारे पास पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर है, वो महिमा मंडित करते हैं कि प्रधानमंत्री दिन में रैली संबोधित करते हैं, रात को कोरोना की लड़ाई लड़ते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री से मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं बात करना चाहता हूं। उनको बोला जाता है कि आप तो अभी प्रधानमंत्री रैली में बिजी है, बाद में बात करेंगे आपसे। महाराष्ट्र में मरता हुआ लोगों का आंकड़ा, गुजरात में तो राम राज्य था ना, 15 साल से 25 साल से पीछे बीजेपी है। एक 13 साल की लड़की बाप के गोद में दम तोड़ देती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, नया ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। गुजरात से मेडिसिन जाती है, रात को जब पकड़ा जाता है कोई कि 50,000 मेडिसिन लेके बैठ गया है तू, इंजेक्शन, तो देवेंद्र फडणवीस बेशर्म होकर उसको छुड़वाने जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमने खरीदी है बीजेपी ने। और दमन का प्रशासन कहता है कि इस कंपनी को जो फ्रॉग फार्मा है, इसको तो परमिशन ही नहीं भेजने की, तो ये इलीगल स्मगलिंग का काम बीजेपी कर रही है, इसका कोई जवाब है? और ये मूर्ख पुलिस महाराष्ट्र की, नपुंसक पुलिस, मैं कहता हूं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन आता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और छोड़ देते हैं लोगों को, केस चलनी चाहिए। ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर हत्याओं का केस चलना चाहिए। बंगाल में 2000% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है केसेस में। यदि बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया तो ये तमाम रैली को एड्रेस करने वाले के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए और आतंकवादी कार्यवाही में इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। कहा नहीं है, कुशाभाऊ ठाकरे पितृपुरुष थे, संपादक संस्थापक थे बीजेपी के, उनके सगे भतीजे, दोनों सगे भतीजे इंदौर के हॉस्पिटल में दम तोड़ते हैं क्योंकि एक को ऑक्सीजन नहीं मिला और एक को इंजेक्शन नहीं मिला। कुशाभाऊ ठाकरे का बैग उठाने वाले कारपोरेटर अब्जोपति हो गए और जिनके सर पे हाथ रखा हुआ आज मुख्यमंत्री है। आज पहली बार आशुतोष, जीवन में पहली बार निराशा ने घेरा है। हम दिल्ली में हैं, इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, लोगों को लगता है इनके संबंध बहुत है। जहां जहां देश में संबंध है वहां से लोग फोन करते हैं कि भाई साहब एक सिलेंडर, भाई साहब एक इंजेक्शन, कोई कहता है कि एक बेड की व्यवस्था करिए। आप फोन करोगे कलेक्टर को तो आपका मान जाएगा, आपका नाम चलता है। और मैं जानता हूं जिसको फोन करता हूं वो फोन उठाता नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पहली बार अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा हूं कि जिसको फोन करता हूं, फिर दूसरे दिन जब फोन करता हूं कि आपकी मां कैसी है तो बोलते हैं कि अशोक जी उनका अंतिम संस्कार हो गया है। लखनऊ में 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, टाइम भी करने के लिए। शमशान छोड़ के जहां जगह है वहां शमशान हो गया है और हमारे नेता रैली को संबोधित करते हैं। एक बंगाल तो जीत लोगे और बाकी क्या शमशान पर राज करोगे? 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई है आज गुजरात में, सबसे ज्यादा गुजरात में हालत बेकार है, चिमनी पिघल गई है शमशान में। सीएनजी की जो चिमनी थी वहां चिमनी पिघल गई है, इतने अंतिम संस्कार हुए हैं। 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई जा रही है, उसमें 300 हॉस्पिटल हो जाते थे। आज किस हर एक को जवाब देना होगा
और आज कहां थे? तन की बात, मन की बात अशोक, आज एग्जाम कैंसिल करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो बच्चे डिस्टेंसिंग से बैठते हैं आशुतोष। एग्जाम तो जब कोरोना नहीं था तब भी सिर्फ वो डिस्टेंसिंग था उसमें, आज एग्जाम कैंसिल कर सकते हो, रैली नहीं कैंसिल कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कुंभ को लेकिन कानूनन कुंभ कैंसिल नहीं कर सकते हो, यह मजबूरी है आपकी, ये वोट की राजनीति है और राजनीति इतनी हानि हो जाए। देखो अशोक, मैं जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी भावनाओं को हमें आज कंट्रोल करना पड़ेगा। निश्चित तौर जो बात आप कह रहे हैं बहुत तकलीफ दे बात है और पिछले दिनों मैंने महसूस किया है, महसूस इसलिए किया है क्योंकि हमारे अपने बड़े पुराने दोस्त के चारों परिवार के लोग चारों बीमार, एक मामूली दवा के लिए 500 फोन करने पड़ते हैं और जब उनकी कातर आवाज वहां से सुनाई पड़ती तो जब फोन आता है तो मन एकदम भक हो जाता है कि कहीं को गलत खबर तो नहीं सुनने, कहीं को दुखद खबर तो नहीं सुनने को मिल रही, और ये बड़े अफसोस की बात है। मैं बिल्कुल मैं आपकी भावना से पूरी तरीके से सहमत हूं, ये अफसोस की बात है कि हमारे नेता अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ दोषारोपण हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि ये रैलियां आज से 15 दिन पहले पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए थी और बिना रैलियों के भी चुनाव हो सकता है इस देश के अंदर। ऐसा नहीं कि आप रैलियों सिर्फ रैली करेंगे तभी आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कोई रैली बंद करने के लिए तैयार नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।